वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सभी हिंदी के एक सौ 138 नंबर पेज पे निकाल लीजिए। तो कल हम लोग प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी नादान दोस्त पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गए थे। लेकिन आज बच्चों को नींद कहाँ, आप हमें आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार करते थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे धीरे दरवाजे की सिकड़ी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि ये नादान दोस्त एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें दो नासमझ बच्चे के ऊपर ये कहानी को बनाया गया है, जिसका नाम केशव और श्यामा है। उन दोनों ने जाने अनजाने में अपने मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए एक चिड़िया का अहित कर दिया, एक चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया, उसके अंडे बर्बाद हो गए। उसी कहानी को यहाँ पर प्रेमचंद ने लिखा है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उस समय जो महीना चल रहा था, जो मौसम चल रहा था, वो गर्मी का मौसम था और केशव और श्यामा के पिताजी दफ्तर गए हुए थे और माँ बजाई घर का काम काज कर इतना थक गई थी कि दोनों बच्चों को सुलाने के लिए खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों को आज नींद कहाँ आने वाली थी, उसको तो उन लोगों को तो अंडों के हिफाजत की तैयारियां करनी थी, इसलिए वो लोग चुपचाप अपनी आंखें बंद किए हुए दम रोके इंतजार कर रहे थे कि कब माँ जल्दी सो जाए। जब माँ सो गई तो धीरे धीरे इन लोगों ने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर चले गए। अब केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न करो तो नहाने की चौकी लाकर स्कूल के नीचे रखी और डरते डरते स्कूल पर चल। अब देखिए कार्निस छज की जो ऊंचाई होती है वो काफी ज्यादा ऊंची होती है और एक छोटे बच्चे के हाथ से काफी ऊपर होता है। तो इसलिए केशव ने क्या किया कि पहले उसने एक स्टूल लिया अपने घर से और उसके बाद भी जब वो ऊंचाई तक छज्जे तक नहीं पहुंच पाया तब भी वो नहाने वाला चौकी उठा के लिया, जो छोटा सा चौकी जो होता है बाथरूम में वो ले आया और उसको स्टूल के नीचे रखते हुए वो छज्जे पर चढ़ गया। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह दबाव ज्यादा पड़ता जरा हिल जाता। अब जब उसके चारों जो पैर थे स्टूल के वो बराबर नहीं था, इसलिए क्या होता था कि जमीन पर तो किसी तरह से सेट हो जाता है, लेकिन जब किसी चीज पर हम लोग रहते हैं तो ऐसे वो हिलता है और जिधर हम लोगों का ज्यादा वजन पड़ता है वो उधर ही झुक जाता है। वैसे ही केशव का पैर जिधर भी ज्यादा उसका वजन पड़ रहा था वो उधर झुक जा रहा था, हिलने लगा। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। सचमुच जब कोई आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है, जमीन से जब ऊपर होता है और जब उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और संतुलित हो जाता है तो उसके हृदय कांपने लगते हैं और पैर थरथराने लगते हैं। दोनों हाथों से कार्बिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उधर चढ़ना। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्बिस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब देखिए बच्चों की एक आदत होती है कि वो थोड़ा सा असंतुलित होने पर ही बड़े बिगड़ जाते हैं, कोई भी बिगड़ जाता है। वैसे ही यहाँ पर कैसे भी अपनी बात पर बिगड़ गया है,
वो धीमी आवाज में जोर से बोल भी नहीं सकता क्योंकि मार लग जाएगी, इसलिए वो धीमी आवाज में ही बोलता है कि अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर मार दूंगा। मगर श्यामा का दिल तो ऊपर काबिज पर था। अब देखिए लड़की का ध्यान जो था वो पूरी तरह से उस छज्जे पर था, उसको अंडे देखने पर था, चिड़िया के घोंसले को देखने का। बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जाता और हाथ भी नहीं पड़ता। अब क्या होता कि जब ध्यान उधर चला जाता तो स्वाभाविक है कि वहां से एक जगह से ध्यान जब दूसरे जगह चला जाता है तो पहले जगह पर ध्यान नहीं होने के कारण वो काम अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए उसका हाथ ढीला पड़ जाता है। कैसर ने जो ही कालिश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। कैसर ने देखा कालिश पर थोड़े कील के पीछे हुए और उन पर तीन अंडे पड़े हुए, जैसे घोंसले उसे पेड़ों पर रखे थे, जैसे उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा कि भैया बच्चे हैं भैया? अब जब कैसर वहां पर कालिश को हाथ से पकड़कर ऊपर जब देखा तो जैसे ही कैसर ने कालिश को पकड़ा तो तक दोनों चिड़िया उड़ गई। अब कैसर ने वहां चलकर देखा कि छज्जे पर थोड़े बहुत किनके बिछे हुए हैं और उस पर तीन अंडे रखे हैं। जैसे घोंसले उसने पहले पेड़ पर देखे थे वैसे घोंसले यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले उसको, सिर्फ इनका ही पीछा हुआ था और उसी पर तीन अंडे रखे। और क्या वाले जैसे धीमी आवाज में पूछती है कि बच्चा है वहां पर कि नहीं है, तो कैसे बोलता है कि नहीं तीन अंडे हैं अभी बच्चे नहीं है। श्यामा कहती है कि जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब श्यामा को भी इच्छा हुई कि मैं भी देखूं कि अंडा कितना बड़ा हुआ है या कैसा है किस तरह का है। कैसा ऊपर का वो देखना चाह रही थी कि छज्जे पर कैसा क्या हो रहा है और क्या है वो देखना चाहिए। कैसा कहता है कि दिखा दूंगा, पहले जरा पिछड़े ले आ नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे पिछड़ों पर पड़े। अब यहाँ पर कैसा कहता है कि जाओ घर से कोई फटा हुआ कपड़ा ले आओ ताकि हम यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से बिछा दें। अंडे को नीचे ही रखा गया। क्षमा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। कैसा ने झुक कर कपड़ा लिया, उसकी कई कह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तीनों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब श्यामा को जब बोला कि भाई कहीं जाओ जाकर कपड़े ले आओ, तो वो पुरानी धोती का कपड़ा ले आई और उसको कैसर को दे दी। कैसर ने क्या किया कि उस धोती के टुकड़े को बाहर फोल्ड करके वहां पर एक गद्देदार एक गद्देदार गद्दी बना दी जिससे कि वो अंडे को उस पर रख सके और तीनों पर बिछा कर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब क्या किया कि कैसर ने वो गद्दी बनाई और उस तीनों पर रख दिया और अंडे को उठाकर उस गद्दी पर रख दिया।